बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है? सबसे पहले शौहर के रूटीन ये बनाएं कि घर आने पर वो पहले अपनी माँ के पास जाए, बाद में आपके पास आए। जब भी बाज़ार जाएं, सास के लिए कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर लेकर आएं, चाहे वो लॉन के सूट हों या 10 रुपये की मूँगफली। कपड़े बदलने लगें तो आप 2 पसंदीदा जोड़े सास के पास ले जाएं। इनसे पूछें कि मैं दोनों में से कौन सा जोड़ा पहनूं, फिर जो वो कहें वो पहन लें। जब जब आपके शौहर आपके साथ कोई अच्छा सलूक करें, सास के सामने सास की तारीफ़ करें कि उन्होंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। गाड़ी में बैठना हो तो बड़ी मोहब्बत के साथ सास को फ्रंट सीट पर बिठाएं और इनसे कहें कि ये आपका हक है, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से ही हमें अल्लाह ने ये गाड़ी दी है। घर में खाना बनाने लगें तो सास से पूछ लें कि आज क्या बनाएं। अक्सर ये मामला आप पर छोड़ देंगी, लेकिन अगर वो किसी ख़ास चीज़ की फरमाइश करें तो ज़रूर बना कर दें। कभी भी किसी के भी सामने अपने मियाँ बीवी सास और किसी भी दूसरे ससुराली रिश्तेदार की बुराई ना करें, क्योंकि ये भी गीबत है और गीबत ऐसी ख़राब चीज़ है जो घरों के घर उजाड़ देती है। अगर कभी शौहर और सास इकट्ठे बैठे बातें कर रहे हों तो पूरी कोशिश करें कि मियाँ को बुलाकर वहाँ से ना उठाएं। सास की हर पसंद की तारीफ़ करें और इन्हें यकीन दिलाएं कि आप इनके आला ज़ौक़ के मुत्तरिफ हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।